हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एडिक्शन। तो इस वीडियो में हम जर्मन सेडान स्कोडा रैपिड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट स्कोडा रैपिड को 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इनिशियली इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ये हम इसका सेकंड जनरेशन देख रहे हैं। ये स्कोडा रैपिड का टॉप एंड वेरियंट देख रहे हैं हम। 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक स्टाइल प्लस वेरियंट है ये। इंजन की बात करते हैं तो 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है इसमें, जो प्रोड्यूस करता है 108 bhp और 250 nm का टॉर्क। काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन मिल जाता है, 0 to 100 11.2 सेकंड में चली जाती है ये। अब इसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हेडलाइट्स देखते हैं। तो हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नीचे DRL, और लो बीम के लिए हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स इस साइड, नीचे फॉग लैम्प्स, स्कोडा एक्सक्लूसिव वर्टिकल ग्रिल्स जिसे सराउंड किया गया क्रोम फिनिश से, स्कोडा का लोगो। तो ये है इसका फ्रंट फेशिया, ऐसा दिखता है आगे से। नीचे भी ग्रिल्स दी गई हैं ब्लैक कलर की। सेकंड जनरेशन वेरिएंट में काफ़ी अपडेट्स कर दिए गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये, सिंपल एंड क्लासी लुक देता है। तो अब इसका एक बार साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। ये है, ऐसी दिखती है साइड से गाड़ी। 4413 mm का लेंथ और 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें। डी पिलर्स ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम दिया गया है, और अगर चारों सीट्स ऑक्यूपाइड हैं तो काफ़ी ज़्यादा नीचे टच होने के चांसेस रहते हैं। 195/55 R16 टायर साइज के साथ 16 inch के अलॉयज मिल जाते हैं, सिल्वर कलर के। और रिम्स पे LED टर्न इंडिकेटर्स, वाइट डोर हैंडल्स, और यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम दिया गया है। सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेंगे ये क्रोम्स। इसके राइवल्स की तरह ज़्यादा स्टाइलिश लुक नहीं दिया गया है स्कोडा रैपिड में, थोड़ा सिंपल और क्लासी लुक है, बेकार नहीं लगता है। लेकिन माइलेज की बात करते हैं तो 20 km/h प्लस की माइलेज देती है हाईवे पे, और सिटी में ये 13 to 14 की माइलेज देती है। अब इसके रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो ऐसी दिखती है पीछे से। तो सबसे पहले टेल लैंप्स देखते हैं। हैलोजन टेल लैंप्स दिए गए हैं इसमें, LED नहीं है, और नीचे रियर फॉग लैंप भी दिया गया है, टर्न इंडिकेटर और रियर रिवर्स लाइट, रैपिड की बैजिंग, यहाँ पे स्कोडा का लोगो, और इस साइड स्कोडा की बैजिंग। नीचे क्रोम लाइनिंग दी गई है बूट पे। यहाँ पे टेल गेट पे हमें रियर स्पॉइलर भी मिल जाता है, सिर्फ स्टाइल वेरिएंट में मिलेगा स्पॉइलर। रियर विंडस्क्रीन पे डिफॉगर्स, ऊपर एंटेना, इलेक्ट्रिक एंटेना। नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट दी गई है ब्लैक कलर की। डिसकंटिन्यू करने का रीज़न ये था इसका, क्योंकि ये BS6 के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाई थी, वरना कंफर्ट वाइज और ड्राइविंग प्लेजर अल्टीमेट है इस गाड़ी का, और सेकंड जनरेशन तो लुक वाइज भी काफ़ी कम्पीट करती थी अपने राइवल्स को। फ्यूल लिड को अनलॉक होने के बाद ऐसे टच करके हम ओपन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक बार इसके इंटीरियर्स। कीलेस एंट्री नहीं मिलती इसमें, टॉप एंड वेरिएंट में भी हमें कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी। ड्राइवर्स डोर ऐसा दिखता है। डुअल टोन इंटीरियर में मिलती है गाड़ी, ब्लैक एंड बीज कलर के इंटीरियर्स में। ORVMs इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। लॉक अनलॉक का बटन, क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडो कंट्रोल्स, ऑल फोर विंडोज ऑटो अप ऑटो डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ मिल जाती हैं। नीचे बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, इलेक्ट्रिक ट्रंक ओपनिंग बटन यहाँ भी है और पीछे भी दिया गया है ट्रंक पे भी। एक बार देख लेते हैं पीछे। 460 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है ऊपर, यहाँ पे बूट लैंप, नीचे स्पेयर व्हील,
नीचे LED नंबर प्लेट लाइट्स, रिवर्स कैमरा और यहीं पे फ्यू इलेक्ट्रिक बटन भी दिया गया है टेलगेट को ओपन करने के लिए। इंटीरियर देख लेते हैं अब इसका। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल जाती है, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती इसमें। ऐसा इसका डैशबोर्ड दिखता है सारे लाइट्स ऑन होने के बाद। ड्यूअल टोन इंटीरियर्स के साथ 3-spoke मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे फॉग लैंप और हेडलैम्प के कंट्रोल्स। एक बार ऊपर पुल करेंगे तो फ्रंट फॉग लैंप्स ऑन हो जाएंगे और दो बार करेंगे तो रियर फॉग लैंप्स। और अब दूसरी बार भी कर देंगे तो रियर फॉग लैंप्स ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे रियर फॉग लैंप्स दिए गए हैं। अब चलते हैं इसके अंदर। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल के जो बटन्स हैं स्टेयरिंग व्हील पे नहीं दिए गए हैं। AC वेंट्स को क्रोम से सराउंड किया गया है। एनालॉग ओडोमीटर, RPM और स्पीडोमीटर के साथ बीच में छोटी सी डिजिटल स्क्रीन। कंट्रोल्स हम यहाँ से कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल्स ओडोमीटर के यहाँ से करेंगे हम, जैसे कि ये। क्रूज कंट्रोल के बटन दूसरे लीवर पे दिए गए हैं, लेफ्ट साइड वाले पे यहाँ पे। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। मिरर लिंक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ 7-inch चीज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। हैजार्ड लाइट बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन यहीं पे हैं। AC वेंट विद क्लोजिंग ऑप्शंस, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, यहाँ से फैन स्पीड और दूसरे वाले से टेम्परेचर को हम सेट कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। कूल ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसका वेंट यहाँ पे है। ये सनग्लास होल्डर, सनवाइजर्स में यहाँ पे वैनिटी मिरर, केबिन लाइट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, इस साइड सिर्फ कार्ड होल्डर, वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स, यहाँ पे लेफ्ट डोर, बॉटल होल्डर, गियर के आगे यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट। रिवर्स गियर लगने के बाद ऐसा दिखता है रिवर्स कैमरा। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। DSG गियरबॉक्स, हैंड ब्रेक की टिप को क्रोम फिनिश दिया गया है। सेंट्रल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, थोड़ा सा स्पेस मिलता है, सिर्फ फोन वगैरह कुछ रख सकते हैं हम। आर्मरेस्ट फोल्डेबल है, 2-way एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है ये। एक बार करेंगे थोड़ा नीचे और दूसरी बार ऊपर हो जाएगा। पीछे का भी वैसा दिखता है आगे से। एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स। अब चलते हैं रियर सीट्स पे। ऐसी इसकी की दिखती है, लॉक अनलॉक और टेलगेट ओपन बटन के साथ। रियर डोर ऐसा दिखेगा। नीचे बॉटल होल्डर, ऐसी इसके सीट्स। लेग रूम काफ़ी सही मिल जाता है, स्पेशियस है गाड़ी काफ़ी। फ्रंट सीट्स के पीछे पॉकेट्स, रियर AC वेंट्स, यहाँ पे कप होल्डर,
एडजस्टेबल हैंडल्स विद हुक, रियर केबिन लैंप्स, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, कप होल्डर सिर्फ आगे दिया गया है, आर्मरेस्ट में कप होल्डर नहीं मिलेगा, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स, पार्सल ट्रे, पीछे से ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, रियर सनशेड्स हमें स्कोडा की तरफ से मिलती हैं ये। तो अब इसके अगर तीन पॉजिटिव पॉइंट्स और तीन नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि फन टू ड्राइव व्हीकल है, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग सब कुछ बढ़िया है, लुक्स सिंपल एंड क्लासी लुक्स हैं, ज़्यादा फैशनेबल ट्रेंडी लुक नहीं दी गई है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो सिटी माइलेज थोड़ा कम है गाड़ी का, ग्राउंड क्लियरेंस कंपेरेटिवली कम है थोड़ा, और थर्ड रियर सीट्स पे थोड़ा थाई सपोर्ट कम मिलता है, बाकी और कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है गाड़ी में।